नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपना 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। ये सारे 10 पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने मेरे को लगता है कि आप नहीं जानते होगे। एक एक चीज प्रॉपरली यूज करना, इससे आपके चैनल को बहुत बेनिफिट होने वाला है। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा सो डैट आपको सारा कुछ डिटेल्स में शेयर कर सकूं। स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार, सो डैट आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलती रहे। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोस्तों मैं वर्क फ्रॉम होम का सीरीज बना रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे आपके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम का सीरीज जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस पैंडेमिक पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे जनरेट करोगे ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या है, आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। लोग आपको सबको कुछ ना कुछ नया बताया होगा, कुछ ना कुछ रेगुलर टिप्स बताया होगा, आप भी बोल रहे होगे यार मैं क्या नया थंबनेल के बारे में बताने वाला। तो थंबनेल के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि थंबनेल जो होता है ना वो आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है। मतलब थंबनेल है ना मेन पॉइंट होता है अट्रैक्शन का। अगर आपका एक अट्रैक्टिव थंबनेल होता है उसमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मतलब आप जो कंटेंट ऐड करते हो वो अच्छा करते हो, अट्रैक्टिव करते हो, जो मुझे मजबूर करे उस वीडियो को क्लिक करने के लिए, तभी वो वीडियो चल पाता है। मान के चलो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो हाउ टू इंक्रीज 4000 आवर्स वॉच टाइम, या आप अपना चैनल का 4000 आवर्स का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करोगे, मैं क्या करूंगा इसमें, मैंने लाइफ प्रूफ मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर मैं जब ये ऐड कर देता हूं ना तो दोस्तों होता क्या है, आपके मन में एक क्लिक करता है, लाइफ प्रूफ दिखा रहा है बंदा, मतलब 4000 घंटा का जो वॉच टाइम है ये डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू से मुझे अब पता चल जाएगा कि कैसे हुआ। तो जनरली दोस्तों इस वीडियो में मैं एक्चुअली सारा ट्रिक्स जो बता रहा वही है जो मैंने फॉलो किया और मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई, आप यहाँ पे देख लो। तो पहला पॉइंट था क्या, आप अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओगे, थंबनेल में आप कंटेंट अच्छा दोगे जिससे यूजर का क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए। दूसरी बात, इंक्रीज वीडियो फ्रीक्वेंसी। आपको क्या है, वीडियो का फ्रीक्वेंसी है ना बढ़ाना होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यूट्यूब मिस्टेक्स में, यूट्यूबर मिस्टेक्स में जो नए यूट्यूबर करते हैं, आज मैं यहाँ पे भी वही पॉइंट दोहरा रहा हूं। मान के चलो आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हो, या 4 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हो, 5 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हो, 10 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हो, मुझे एक बात बताना, क्या सब्सक्राइबर्स आपको सब्सक्राइब करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप हफ्ते में एक वीडियो बना के उसको सब्जेक्ट दे रहे हो सब्सक्राइब करने की है, जो कि इरेलीवेंट है। अगर मेरी बात कहो तो मैं आपको सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं सब्सक्राइब उस चैनल को करूंगा जो रेगुलर बेसिस पे मुझे कंटेंट देता है, वैल्यूएबल कंटेंट देता है, तो मेरा चैनल सब्सक्रिप्शन वहां होगा ना। दूसरी बात है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब आपको क्या करता है, इंप्रेशंस भेजता है। आप जितना वीडियो ज्यादा अपलोड करते जाते हो यूट्यूब आपके चैनल पे आपके वीडियोज पे ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन भेजता है। तो आप वीडियोस रेगुलर अपलोड करोगे तो यूट्यूब इंप्रेशन भेजेगा, इंप्रेशन भेजेगा तभी तो व्यूज बढ़ेंगे, और व्यूज बढ़ना जब शुरू हो गया तभी तो आपके सब्सक्राइबर्स आना शुरू होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट है ना सारे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। 200+ वीडियोस मैंने बनाए हैं दोस्तों, 1 साल का पूरा प्लस एक्सपीरियंस है, तब मेरी चैनल मोनेटाइज हुई थी, तो सारा कुछ मैं जो भी दे रहा हूँ ना पूरा एक्सपीरियंस का निचोड़ दे रहा हूँ, जो जो मिस्टेक्स थी मैंने सारा ऊपर देख लो, आई बटन देख लो वहां पे वो वीडियो देख लेना, आपको सारा न्यू यूट्यूबर जो मिस्टेक्स करते हैं, जो मैंने मिस्टेक्स की थी उसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी है। वीडियो थोड़ी लंबी है मगर देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो। तीसरा पॉइंट, ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन क्या होती है समझ लो, जब एक यूजर आपके वीडियो पे जाता है, वीडियो क्लिक करने के बाद जब वीडियो देखना शुरू करता है, कितना मिनट तक वो स्टे करता है, अगर मान के चलो 5 मिनट की वीडियो है, हाफ मिनट से ज्यादा स्टे नहीं करता है, तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन बिलो 20% हो जाती है। अगर आपका वीडियो 5 मिनट का है और आपका ऑडियंस 2 मिनट से ज्यादा स्टे करता है तो आपका ऑडियंस रिटेंशन 30%+ हो जाती है। जो यूट्यूब वीडियोस पे ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा होती है उस चैनल पे उस वीडियो का प्रमोशन होना चांसेस बढ़ जाता है, यूट्यूब उसको प्रमोट करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ऑडियंस रिटेंशन आप बढ़ाओ के कैसे, स्टार्टिंग का जो 30 सेकेंड होगा ना दोस्तों इतना स्ट्रांग इतना सॉलिड होना चाहिए, आप उसमें सस्पेंस क्रिएट कीजिए,
आप बोलिए कि उसमें मैं रामबन बताऊंगा, मैं अपने सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपकी चैनल मोनिटाइज हो जाएगी, या आप उसको बताइए 30 सेकंड्स में कि मैं जो भी सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये आपके चैनल को डेफिनेटली बेनिफिट करने वाली है। आप किसी भी कैटेगरी में रहिए, 30 सेकंड्स आपका जो है ना इनिशियल का आपके चैनल को बांध के रखता है, आपके यूजर को बांध के रखता है कि वो वीडियो आगे देखेगा कि नहीं। तो 30 सेकंड जो होता है वो डिसाइड करने वाला होता है। तो आपको क्या है, अपना ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो 30 सेकंड आपका जो भी स्क्रिप्ट आप बनाए वो बहुत स्ट्रांग बनाए। फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। आपके कंटेंट की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट की क्वालिटी मतलब आप जो मैसेज इम्पार्ट कर रहे हो यूजर को, आप जो अपने वीडियो के जरिए यूजर को बताना चाह रहे हो, वो कंटेंट जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। अगर यूजर आपके चैनल पे आया और आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कुछ दिनों तक आपका वीडियो चल सकता है मगर उसके बाद क्या होगा, आपके चैनल पे सब्सक्रिप्शंस कम हो जाएंगे। धीरे धीरे पता चलेगा आपके चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। दूसरी बात, आप देखते होंगे वीडियो में आपके बैकग्राउंड नॉइज आ जाती है, आपका जो वीडियो है ब्लर हो जाता है। तो यार आप करोगे यहाँ पे क्या, आप कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा ठीक कर लो। मोबाइल से शूट करते हो, बहुत अच्छी अच्छी मोबाइल आ चुकी है आज के डेट में। मेरी 5 साल पुरानी मोबाइल है, फिर भी देखो आपकी कैमरे की क्वालिटी देखो अच्छी है। तो आप क्या करोगे, अगर कैमरा ठीक से नहीं चल रहा तो आप थोड़ा सा कैमरा को वॉश कर लो, मतलब कपड़े से पोंछ दो। बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है तो कुछ साइलेंट जगह पे चल जाओ, या नहीं तो आप एक कर सकते हो, बैकग्राउंड पे एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हो जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका मतलब कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। पांचवा पॉइंट, इस टॉपिक के बारे में तो मैं आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए। मेरी चैनल पता है कब मोनेटाइज हुई, जब मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने सुशांत सिंह राजपूत, जब उनका डेथ हुई हुआ था, बेसिकली वो मर्डर है, कॉन्स्पिरेंसी है या सुसाइड है, ये आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। उस पे मैंने उस मुहिम को मैंने ज्वाइन किया था और मैंने वीडियोस बनाने शुरू की थी। दोस्तों मैं उस मुहिम में ज्वाइन किया था, एक्चुअली मेरी इच्छा थी, 100% फील होता है और मैं श्योर लगता हूँ कि ये मर्डर है, तो इसे मैंने ज्वाइन किया। आपको पता है जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया मुझे काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले। किसी वीडियोस में 14,000 व्यूज मिला, किसी में 6,000 व्यूज मिला, किसी में 5,000 व्यूज मिला, किसी में 3,000 व्यूज मिला। इससे बेनिफिट क्या हुआ, मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है। छठा पॉइंट दोस्तों, आप जब चैनल बनाते हो आपको वहां पे दो ऑप्शन दिया जाता है, एक न्यू विजिटर जो आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, दूसरा रिटर्न विजिटर जो आपके चैनल पे फिर से विजिट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, जब न्यू विजिटर आपके चैनल पे विजिट करता है तो आप वहां पे क्या है, फीचर्ड कंटेंट वहां पे डाल के रख देते हो, तो एक बड़ा सा कंटेंट दिखता है, आप देख लो यहाँ पे। आप अगर अपने चैनल पे आपका अगर न्यू विजिटर आ रहा है, आप वहां पे एक अच्छा सा वीडियो डाल देते हो जो आपको लगता है बहुत ही स्ट्रांग है, उस वीडियो में कंटेंट बहुत स्ट्रांग दिया हुआ है, उससे यूजर रुकेगा, आप वो न्यू विजिटर के या वो वीडियो जरूर डालें, या आपके वीडियोस में सबसे ज्यादा जो व्यूज है ना वो वीडियो वहां पे डाल दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका वो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा क्योंकि यूजर वहां पे आके क्लिक करेगा। दूसरी बात, रिटर्न विजिटर के लिए भी आप फीचर्ड कंटेंट डाल सकते हो। वहां पे क्या है, आप जब कोई यूजर आपके चैनल पर दोबारा आ रहा है ना, तो उसको आने के बाद है ना कुछ दीजिए, उसको कुछ बेनिफिट दीजिए। रिटर्न विजिटर को एक गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, आपका वो अच्छा वीडियो जो उनके लिए बेनिफिट करे, उनको फायदा पहुंचाए, तो आप रिटर्न विजिटर के लिए भी फीचर्ड वीडियो जरूर रखे। सातवां पॉइंट दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। देखो अगर आप प्लेलिस्ट नहीं बनाते हो चैनल पे, तो उससे क्या होता है, यूजर आपके जब चैनल पे आता है, जो व्यूअर्स आपके चैनल पे आता है और आपके चैनल को ऑर्गेनाइज देखता है, जैसे मुझे चाहिए यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर मेरे चैनल पे मैंने ये एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाओगे जहां से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप सोचो मैं अभी वर्क फ्रॉम होम का एक मैं सीरीज बना रहा हूँ और मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई, तो आप कहाँ वीडियो खोलोगे, आप एक एक वीडियो तो स्क्रॉल नहीं करोगे, आप क्या करोगे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाओगे। अगर प्लेलिस्ट में आपको वर्क फ्रॉम होम का पूरा सीरीज मिल गया, अब फटाफट एक एक करके सारे वीडियो कंटेंट देखना शुरू करोगे, देखोगे ना। तो प्लेलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मिस मत कीजिएगा। आठवां पॉइंट दोस्तों, वीडियो अपलोड करने का टाइम आपको एक सेट करना होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है,
अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हो, आपने अभी एक वीडियो अपलोड किया, मान के चलो अभी सुबह 9:30 बज रही है, आपने एक वीडियो अपलोड किया, फिर अगले दिन क्या किया आपने, रात के 2 बजे अपलोड कर दिया, फिर अगले उसके बाद वाले दिन क्या किया आपने, शाम को 10 बजे, रात के 10 बजे किया, उसके बाद वाले दिन आपने शाम को 6 बजे किया, आपकी जो टाइमिंग जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप सब्सक्राइबर को अपने नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो कि आप वीडियो कब अपलोड कर रहे हो। आपका जो सब्सक्राइबर है ना वो एक डिलेमा में रहेगा, एक सोच में रहेगा, भाई मेरा जो मैंने जिसको सब्सक्राइब किया वो वीडियो कब डालता है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना होगा, अगर सुबह 9:30 बजे डालते हो तो हमेशा 9:30 बजे ही वीडियो डालिए, अगर शाम के 6 बजे डालते हो तो शाम के 6 बजे डालिए, सो डेट आपका सब्सक्राइबर आपके वीडियो को देखने के लिए वेट करे और उसको उस टाइम पे वीडियो मिल जाए। 9th पॉइंट, आई बटन के बारे में सुना ही होगा। जैसे आप देख लो दोस्तों, मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई है, अगर आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो मैंने रियल ट्रिक्स और टिप्स बताया है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, ये देख रहे हो ऊपर में आ रहा है ना, जो एक्चुअली वही आई बटन है। आप वहां से क्या करते हो, यूजर को डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर पाते हो अपने चैनल पे, अपने न्यू वीडियोस पे। तो दोस्तों आई बटन का आप डेफिनेटली यूज कीजिए अपने वीडियोस में, सो डेट आपके यूजर को ना आप अपने कंटेंट में ही रोटेट कर सके, इससे आपके चैनल पे यूजर का रुकना टाइम बढ़ जाएगा, आपके नए वीडियोस लोग देखना शुरू कर देंगे। 10वां पॉइंट, एंड स्क्रीन। दोस्तों एंड स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने देखा है क्या एंड स्क्रीन के जरिए पता है यूजर आपके जो भी वीडियोस को देखती है, एंड स्क्रीन में अगर आपने अच्छा वीडियो स्टार रखा है, यूजर क्या करता है वहां से वीडियो कंटिन्यू देखना शुरू करता है। अगर मान के चलो मेरी एक वीडियो है जिसमें 14,000 व्यूज आ गए, मेरे उस वीडियो का बेनिफिट क्या मिला पता है, एंड तक मेरे वीडियो को सबने देखा और वहां पे मेरे एंड स्क्रीन पे एक अच्छा सा वीडियो था जो उस टॉपिक से रिलेटेड था, लोग क्या किए उस वीडियो को भी देखे। तो एंड स्क्रीन से बेनिफिट क्या होता है, आपका जो करंट वीडियो तो चलता ही है मगर एक नया वीडियो को आप ऑप्शन दे देते हो यूजर को कि आप वो भी वीडियो देखिए, तो एंड स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको एक फाइनल बात बताऊं, यूट्यूब शॉर्ट्स अगर आपने वीडियो नहीं बनाना शुरू किया है तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा पाओगे। यूजर क्या है, वो 30 सेकेंड, वो 10 सेकेंड, वो 20 सेकेंड का वीडियोस देखते हैं, देखते ही आपके चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। बेनिफिट क्या है दोस्तों, यूजर आपके चैनल पर रुकता है ना भाई, रुकेगा आपके चैनल पर सब्सक्राइब करेगा और इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, बाकी वीडियोस भी वो देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों टोटल 10 टिप्स मैंने बताए प्लस आपको एक रामबन बताया, तो इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना, सो डेट मुझे और सब्सक्राइबर्स और व्यूज मिल पाए और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।